वो जितने भी घर वार दिख रहे हैं वो सारा का सारा मसूरी है और ये सारी यहाँ की लोकेशन है। सो हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। और सुबह के बज चुके हैं 11, हमेशा की तरह एज यूजुअल हो चुके हैं सारे सारे लेट, जाना था 9 बजे, आज फिर से बज गए हैं 11। और ठीक है, फिर आज भी जा रहे हैं किसी बढ़िया सी डेस्टिनेशन पर आप लोगों को दिखाने, एक नई जगह है अपने उत्तराखंड की वादियों में। सो रेडी वेडी हो चुके हैं, ये 2-3-4 बच्चे रहते थे, इनको भी आज घुमाना था तो इनको भी ले चलते हैं। मैंने कहा चलो यार तुम भी लग जाओ हमारे साथ। तो अपन तो रेडी हो गए हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह ऑन द टाइम, बट ये लड़कियां हमेशा लेट कराती हैं और भाई भी लेट करा देता है, पर ठीक है और फिर निकलते हैं आज आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है, आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही हिडन प्लेस है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो चलते हैं आपको और दिखाते हैं आज के पहाड़ों के नज़ारे जहाँ हमारा बसा है दिल। बाय बाय। सो मित्रों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की अपनी प्यारी सी डेस्टिनेशन में और हम आए हैं आज हम किमाड़ी वाला रोड पे, जो देहरादून से आगे किमाड़ी रोड पड़ता है जो कि मसूरी जाने का एक और रास्ता है, बट वो रास्ता बहुत ही कम लोगों को पता है। बट अगर आप लोगों को भी एडवेंचर का थोड़ा बहुत शौक है तो आप अगर मसूरी या धनौल्टी अगर घूमने आ रहे हैं तो आप किमाड़ी वाला रोड ले सकते हैं। थोड़ा सा रोड नैरो है बट लोकेशन बहुत ही प्यारी है और यहाँ पर हो चुकी है अपनी गाड़ी की पार्किंग। यहाँ पर देखते हैं कितनी ही कम गाड़ियाँ हैं और अपनी पहली गाड़ी है जहाँ पर तक आई है और आज भी अपने हैवी ड्राइवर यहाँ तक कार को लेकर आए हैं। आज कैसा था रास्ता अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा रास्ता इतना नैरो है और वहाँ से कार लेते हुए पूरा वो पतला सा रास्ता और वो नीचे और वो जहाँ पर वो ट्रक खड़ा है उसके वहाँ पर रास्ता है, वहाँ से हम लेके आए। पहले तो हम ला नहीं रहे थे बट हमारा जो हैवी ड्राइवर है उसने बोला कि नहीं भाई हम गाड़ी ऊपर से ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भाई ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत है। और अपनी गाड़ी यहाँ पूरी खड़ी हो चुकी है और ये लोकेशन बहुत ही प्यारा, अगर हम आपको यहाँ से व्यू, जंगल ही जंगल है ये वाला रोड, मतलब इससे पहले रास्ता कटता है मसूरी धनौल्टी के लिए, मतलब यहाँ से बहुत कम लोगों को ये रास्ता पता है मैप के थ्रू आते होंगे तो, बट जो यहाँ का लोकल है और जहाँ यहाँ पर आता रहता है उसको ये पता रहता है। तो हम आप चलते हैं आपको नाग टिब्बा ट्रैक की तरफ ले जाते हुए। तो बेसिकली ये नाग मंदिर से कनेक्टेड है नाग देवता से और लोग जिसे लोग नाग टिब्बा ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। वहाँ चल रहा है फोटोशूट, आप देख सकते हैं मित्रों यहाँ पे कितना ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट और ये लोकेशन कितनी ही प्यारी है और इसके जस्ट पीछे मसूरी है आपका पूरा। पूरा घना जंगल है यहाँ पर। तो हम पहुंच चुके हैं। सो आप लोगों को पहले दिखाते हैं मंदिर के दर्शन कराते हैं और ये हमारी ऑडियंस, ये दोनों हमको यहाँ पे मिल गए हमारे सब्सक्राइबर। yes. हमेशा की तरह कहीं ना कहीं हमें सब्सक्राइबर मिल ही जा रहे हैं आजकल, इतना फेमस हो गए हम। आप तो हमें कल भी। सो दोस्तों आप इस चेहरे को तो जानते होंगे, ये वही हमारा पुराना गरीब दोस्त जो आज हमको मिल गया है, दूर से दिखा रहा हूँ यार, शकल तो काली काली आई है, गोरा फिर मार दो। काले गोरे का भेद नहीं हम करते हैं पर हमारी ऑडियंस करती है। सो मित्रों हमने मंदिर पूजा वूजा कर लिया और यहाँ पे टीका वगैरह करवा लिया और ये गरीब हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गया था यहाँ पर, यहाँ पे डांस करते हुए और ये हमारे पीछे मंदिर और यहाँ की लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का एक ओवर व्यू, कितना अच्छा व्यू है, मजा ही आ चुका है, मज़ा ही आ चुका है पूरा। आप देखेंगे तो ऐसा है कुछ यहाँ का मंदिर का, इधर हमने पूजा वूजा कर लिया, अंदर फ़ोटो लेना मना था तो हमने नहीं बनाया अंदर का ब्लॉग। सो फाइनली हमने यहाँ पर रील का कंटेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है और हमने फोटोज़ भी क्लिक कर लिया है और यहाँ से अब अलविदा लेने का समय आ गया क्योंकि यहाँ पर बस ये घूमने के लिए ही था और पूरी वादियाँ थी। हमने आपको यहाँ का पूरा, यहाँ से पूरा नाग देवता का टेम्पल ऐसा लगता है और यहाँ पर ये भी था, बस यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, जो है हमारे पीछे की बहुत ही प्यारी थी तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में जाते जाते आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, दूसरी लोकेशन पर मिलते हैं फिर आपको उस बड़ी सी लोकेशन। जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मेरे चैनल को लोगों के साथ जरूर शेयर करना है। सो यहाँ से अलविदा लग गया दोस्तों,
अब यहाँ से निकल रहे हैं इस लोकेशन से, और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या अभी किया, आपको एक मैजिक भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। और ऐसे ये हमारी, और अब हम जाएंगे बिल्कुल वो टॉप पे जो कि है चर्च एवरेस्ट और एक वाटरफॉल। सो चलते हैं, आप लोगों को वहाँ पे दिखाएंगे मस्त मस्त नज़ारे। ऑडियंस, आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत ही ऑसम है ना, मतलब बहुत शांत। टूटे लोग आ रहे थे इस जगह पे। सो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, और आप दिखाते हैं आपको कि हम अपनी गाड़ी को कहाँ से लेके आए थे। आप खतरनाक लोकेशन, ये फुल एडवेंचर वाली रोड है भाई, आराम से लाना बिल्कुल ही, प्यार से हॉर्न देते हुए। और हमने यहाँ से गाड़ी चढ़ाई भी थी, जो कि ये शुभ काम प्रमोद के हाथों से हुआ था। रास्ते में एक कार भी आ गई थी। शादी भी हो रही है, शादी भी चले। ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही है। पीला वाला थोड़ी ना है, गेहूं वो सरसों है। आपने ग्रीन बोला ना, ये तो नहीं बोला। धीरे धीरे सबके बार खुलने लग गए। पांच दिन और है ना तो भाई, यहाँ सब जीजाजी यहाँ फिर जीजाजी पुराने हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल ही खतरनाक मोड़ भाई साहब। मैं आगे नहीं, मैं कैमरे में देख रहा हूँ। ला छोरा ऊपर जाते हैं ऐसे, और तो कि ज्यादा ऊपर गए हम, अभी नीचे आते हुए पहुंच तो हो गया मेन रोड में है ना भाई। कल से खतरनाक वाला था, पर वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। दुगनी खड़ी चढ़ाई थी वो, ये लंबे में खड़ी है ना, वो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी वो। और ये हम पहुंचने वाले रोड पर, और यहाँ पर शादी वादी हो रही। चले गए भाई बरात में खाना खाने, दाल भात। निचले शाम के लिए ग्रीन ग्रीन कलर है ना, बातें में सिंबल है क्या ना, कुछ नाम लेके बांध देना। सो मित्रों, रास्ते में जाते थे हमको एक बढ़िया सी लोकेशन दिखी थी, तो हमने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। हमारे पीछे पूरा दिख रहा है मसूरी, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो जितने भी घर बार दिख रहे हैं वो सारा का सारा मसूरी है, और ये सारी यहाँ की लोकेशन है। और ये कांडी बंडा पर खड़ा होता है, कितना प्यारा लग रहा है गोरा सा। और ये यहाँ पर ये बढ़िया सा रिसोर्ट है, और हमने सोचा फोटो शूट करवा लिया है थोड़ा बहुत, और खाना वाना खा लेते हैं। तो हमने सोचा खाना पीना खाया, भूख लग रही थी, और यहाँ पर ये फोटो शूट और रील्स भी रिकॉर्ड हो रही है। सो खाना वाना खाते हैं, मैगी खाना तो मतलब पहाड़ों पर क्या है, मैगी और चाय पीता हूँ, फिर निकलता है किसी बड़ी अच्छी लोकेशन पर। हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं कहाँ, अपने घर में नहीं, दीदी के घर में आए आज हम। और यहाँ पर आज हमारी हो रही खातिरदारी फुल, बना यहाँ पर चिकन और आलू गोभी बढ़िया वाला। और हमारी खातिरदारी कर रहा है कौन, यश भाई है हमारे ये छोटे नवाब जादे, हमारी खातिरदारी करते हुए। तो यश भाई थैंक यू सो मच फॉर द डिनर।
ये भी ब्लॉगिंग, ये भी ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉगर बनना चाहता तो गाइस जब भी ये ब्लॉगर बनेगा ना तो आप लोगों को गेमिंग गेमिंग का ब्लॉगर गेमिंग ब्लॉगर तो बहुत जल्दी एक नया गेमिंग ब्लॉगर सेटअप भी लेने वाला है तो उसको फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बट जब चैनल बनेगा तब अभी ने भी उसको पढ़ाई करना है, बहुत छोटा है अभी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लोगों का नहीं करना है। सो मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से नए ब्लॉग पर, खाते खाना। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मामा जी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन सब दबा दीजिए। ये देखा, छोटा मामा जी को प्रमोट करा तो गाइस इतना तो बनता है।